दोस्तों नमस्कार। एक छोटा सा परिचय राष्ट्र भगत नाथुराम गोडसे जी का। नाथुराम विनायक गोडसे एक कट्टर हिंदू जिनका जन्म 19 मई 1910 को बारामती पुणे जिला ब्रिटिश भारत में हुआ। इनके पिता विनायक वामन राव गोडसे एक पोस्ट ऑफिस में काम करते थे तथा इनकी माताजी लक्ष्मी गोडसे एक गृहिणी थी। ब्राह्मण परिवार में जन्म होने के कारण नाथुराम गोडसे का बचपन से ही धार्मिक कार्यों के प्रति गहरा लगाव था। यहीं से शुरू हुआ था इनके कट्टर हिंदू होने का सफर। दोस्तों, अपने राजनीतिक जीवन के आरंभिक दिनों में नाथुराम गोडसे जी ने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस में शामिल हुए थे। इसके बाद इन्होंने आरएसएस छोड़ा जरूर था, बाद में ये अखिल भारतीय हिंदू महासभा में चले गए थे। इन्होंने अग्रणी तथा हिंदू राष्ट्र नामक दो समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। वे मोहम्मद अली जिन्ना की अलगाववादी विचारधारा का विरोध करते थे। आरंभ में इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी के कार्यक्रमों का समर्थन भी किया था, परंतु बाद में गांधी के द्वारा लगातार और बार बार हिंदुओं के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण नीति अपनाए जाने और मुस्लिम तुष्टिकरण किए जाने के कारण ये गांधी के प्रबल विरोधी हो गए थे। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय एक फैसले के अनुसार भारत द्वारा पाकिस्तान को एक रकम दी जानी थी, जिनमें से कुछ करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए जा चुके थे। लेकिन उसी समय पाकिस्तान ने भारत के कश्मीर इलाके पर आक्रमण किया, जिसके कारण भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने इनको यह रकम देने से मना कर दिया। परंतु भारत सरकार के इस फैसले के विरुद्ध गांधी अनशन पर बैठ गया। गांधी के इस फैसले से दुखी होकर गोडसे और उनके कुछ मित्रों ने गांधी की हत्या करने का फैसला किया। उनका पहला प्रयास विफल हुआ था, जिसका कारण पिस्तौल का न चलना था, पिस्तौल जाम हो गई। फिर ये वापिस पुणे लौट गए थे। इसके बाद गांधी की हत्या के लिए एक बार फिर से ये दिल्ली लौटे और एक नई पिस्तौल खरीदी गई। 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के समय पहुंचे और जैसे ही गांधी वहां पर दाखिल हुआ, ये सबसे पहले उन्हें प्रणाम करने के लिए पहुंचे और बगैर समय गवाए 3 गोलियां मारकर गांधी का काम तमाम किया। और हाँ, इस बहादुर ने वहां से भागने का कोई भी प्रयास नहीं किया था। इसके बाद इन पर पंजाब उच्च न्यायालय में एक अभियोग चलाया गया। 1 साल से ज्यादा चले एक मुकदमे के बाद 15 नवंबर 1949 को पंजाब की अंबाला जेल में इनको फांसी दी गई। इस प्रकार से एक महान क्रांतिकारी हिंदू के जीवन का अंत हुआ। गोडसे के कुछ बोल: भगवान करे हमारा देश फिर से अखंड हो और जनता उन विचारों का त्याग करे जो अत्याचारी के आगे झुकने की प्रेरणा देते हैं। भगवान से यही मेरी अंतिम प्रार्थना है। नाथुराम गोडसे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।